नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। 78% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को मारुति सुजुकी बलिनो का एक एक्सीडेंट दिखाया था, जिसमें कार एक लोहे के डिवाइडर में घुस गई थी। आज का ये महिंद्रा XUV 500 का एक्सीडेंट भी कुछ वैसा ही होने वाला है। वैसे तो सभी को पता होगा कि इस SUV का क्रैश टेस्ट अभी तक ग्लोबल एनकैप में नहीं किया गया है। हालांकि 2013 में एक बार गाड़ी को एनकैप में टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे। इसके अलावा XUV 500 के कुछ एक्सीडेंट्स भी सामने आ चुके हैं, जिसमें इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है और आपने देखा भी है कि तेज रफ्तार में कोई भी 5 स्टार काम नहीं आता है, यहां भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। गुजरात से मिस्टर चिराग पटेल जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया है और महिंद्रा XUV 500 के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली सहेरा लुड़ावाड़ा हाईवे पर किसी जगह हुआ है। सर ने बताया कि XUV से एक लोग सामला जी से सहेरा की ओर जा रहे थे और उस समय कार की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आर के आसपास थी। थोड़ी दूर चलने के बाद किसी पेट्रोल पंप के आसपास डिवाइडर का कट बना होता है, जिस पर एक एक्टिवा वाला बिना किसी साइन या इंडिकेटर के अपनी स्कूटी को मोड़ देता है। अचानक से स्कूटी को मुड़ता देख SUV का ड्राइवर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेज रफ्तार होने की वजह से शायद उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है और सीधा जाकर एक्टिवा को टक्कर मारते हुए लोहे के डिवाइडर में घुस जाती है। फोटोज में आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि यह एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से डिवाइडर पूरे गाड़ी को फाड़ते हुए पीछे तक चला गया है, जिससे इसका फ्रंट और बैक दोनों ही साइड काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। गाड़ी चला रहे ड्राइवर की बात करें तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि स्कूटी राइडर को थोड़ी बहुत माइनर सी इंजरीज आईं। यहां पर क्लियरली देखा जा सकता है कि एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी भी इस जगह पर काम नहीं आई, इसीलिए हमेशा ऐसे रोड्स पर लिमिटेड स्पीड में चलाने को बोला जाता है। हालांकि इस एक्सीडेंट में गलती ज्यादातर स्कूटी वाले की थी, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरों की 100 गलतियां गिनाने से बेहतर है पहले अपनी ही 1-2 गलतियों को सुधार लिया जाए। अगर XUV की स्पीड इस रोड के हिसाब से होती तो बहुत कम ही चांस था यह एक्सीडेंट होने का। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखिए कि किसी भी ज्यादा आबादी वाले एरिया से गुजरते वक्त हमेशा अपने कार की स्पीड स्लो कर लें और तब तक ना तेज करें जब तक वो एरिया क्रॉस ना हो जाए, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग बिना किसी साइन या इंडिकेटर के इधर उधर भागते रहते हैं और अगर इस सिचुएशन में आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो ऐसे एक्सीडेंट्स होना तय है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।